क्योंकि हमारे अब किसी से सपोर्ट हासिल नहीं है। 5 साल हो गए हम काम करते हुए, हम बिल्कुल यारों मददगारी इस कोशिश को जो है वो हमें पहले तो समझे। हम ये चैलेंज करते हूँ मैं वन साहब के सामने के माहिर इमरानियत कहते हैं, प्लीज एक तो जो चाहिए माहिर इमरानियत कहते हैं नस्ले सौ कौमें 100 साल में चेंज होती है। मैं इस प्लेटफॉर्म से एक रिक्शा ड्राइवर चैलेंज करता हूँ कि मैं पूरी कौम 5 साल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमाइंदा सोच न्यूज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम गवर्नर हाउस में मौजूद हैं और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वुमेन मूवमेंट्स के बारे में हम आगाही लेंगे। अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम सर, आप काइंडली हमें बताएंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है? ऐसा है कि हम लोग वो काम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा। वो ऐसे है कि एनजीओस तो सब लोगों ने बनाई हुई हैं और लोगों की हेल्प करते हैं ना, और लोगों को तालीम भी देते हैं। हम उनको आला रवायात की जो जो असल सोसाइटी को खूबसूरत बनाने के लिए जो तरबियत है हम उनको वो फ्राहम कर रहे हैं, और वो है एक टॉलरेटेड सोसाइटी जिसकी बेस है रिस्पेक्ट टू अदर्स। तो उस हवाले के ऊपर हम ये सिस्टम जो है तकरीबन उनको 5 साल से मार्च 2010 से हमने शुरू किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसको 5 साल मुकम्मल हो गए, और हम उस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं जो बिल्कुल डी क्लास की जो सोसाइटी का कहलाती है, जहाँ पे ना कोई एटिकेट्स होते हैं, ना कोई मैनर्स होते हैं, ना इलम है, ना अदब है, ना हिकमत है, ना दानाई है। तो हम वहाँ पे उस एरिया में हमने उन लोगों को इकट्ठा करके, वो लोग जिनको तालीम का बिल्कुल सिरे से कोई अहमियत का एहसास नहीं है, उनको हम एहसास दिलाते हैं, फिर हम उनको बताते हैं कि जिंदगी दो तरह की होती है, एक होती है हकमाना जिंदगी, एक होती है गुलामाना जिंदगी। अगर आप इसी दस्तूर और इसी रवायत के अमीन रहेंगे तो आप सारी जिंदगी गुलामाना जिंदगी गुजारेंगे, और अगर आप इन रवायत को तोड़ के हिकमत और दानाई की तरफ आ जाते हैं और जो जो आप पढ़ते चले जाते हैं और मंजिलें तय करते हैं तो फिर आप हकमियत की तरफ आते हैं, फिर अल्लाह की मदद आएगी। आप कोई वकील बनेगा, कोई रिपोर्टर बनेगा, कोई एंकर बनेगा, कोई यानी एक ऐसा सफ़र आपका उसकी उस मंजिल की निशानदेही करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हैं। सर, आपका ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑफिस किस साइड पे? हमारा है 1394 ब्लॉक D1 चाइना स्कीम गुजरपुरा, और ये रेंट की जगह है, जाती नहीं है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो ये मार्च में ख़त्म होने जा रहा है। अब चूंकि मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ और मतलब हमें किसी से सपोर्ट हासिल नहीं है, ना किसी गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से हमें सपोर्ट हासिल है, ना किसी निजी मतलब अदारे की तरफ से, ना किसी कोई प्रोमिनेंट NGO की तरफ से। अलबत्ता गुज़िश्ता दिनों हमें हम पोस्ट फेंक रहे थे तो हमें SP मुदा इंटरनेशनल के नाम से एक सुस्तान में मालिक की एक तंजीम है, उन्होंने एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन जारी किया है। मतलब हमें बैरूने मुल्क से तो अप्रिसिएशन मिल गया, लोग कल सतह पे चूंकि हमें कोई जानता नहीं है, शायद इस वजह से हमारे साथ कोई भी नहीं है, और हम खुद सारा करते हैं। मैं रिक्शा चलाता हूँ, बेगम सभा सिलाई करती हैं, और जो हमारी बच्ची हैं वो खुद कोई आटा ले आती है, कोई नमक ले आती है, कोई पत्ती ले आती है, कोई चीनी ले आती, तो मिक्स करके हम लोग अपना जो है ना वो सिस्टम। कितने स्टूडेंट हैं आपके? हमारे पास जो हमने 5 साल से जो शुरू किया हुआ था, हमने हजारों की तादाद में बच्चियां सीख के अपने घरों में सिलाइयां और कढ़ाइयां और इस तरह का करके ब्यूटिशियन के हवाले से काम करके हम मोर देन 10 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें। उसमें कटाई है, सिलाई है, कढ़ाई है, कुकिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, ड्रेस डिजाइनिंग है, फाइन आर्ट के हवाले से, फिर हमने कंप्यूटर लैब बनाई हुई है, वहाँ पे हम बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं और फिर हार्डवेयर भी सिखाते हैं, फिर सॉफ्टवेयर भी सिखाते हैं, और 5वीं से लेकर अप टू BA तक जो है वो हम उनको तालीम भी। सर, कोई गवर्नमेंट के इदारों से आप कहेंगे कि आपकी कोई मदद वगैरह? नहीं, हम मदद नहीं चाहते, हम तो काम करना चाहते हैं उल्टा गवर्नमेंट के लिए।
میں نے اپنی ادھر چونکہ میں روایتی مجھے تو کبھی تقریر کا فن نہیں آتا, میں نے تو گورنر صاحب کے سامنے بولا کہ ماہر عمرانیت کیا کہتے ہیں کہ قومیں صدیوں میں بنتی ہیں. میں ایک رکشہ ڈرائیور میں چیلنج دیتا ہوں کہ میں قوم کو 5 سال میں بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں, کیسی قوم چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں. اس سے ہمیں نہیں چاہیے کچھ بھی, ہم تو الٹا قوم کو پاکستان کو دینا چاہتے ہیں. میری زندگی پاکستان کے لیے, اور میں اپنی کمیونٹی میں, آپ ماشاءاللہ ذی شعور انسان اب سمجھتے ہیں, آپ کا تو روزانہ 100 لوگوں سے انٹریکٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں اصلیت کوئی چیز نہیں ہے, تو ہم وہ چیز سامنے لا رہے ہیں. اور آپ کبھی ہمارے ادارے میں تشریف لائیں, آ کے وہاں کا نظام دیکھیں, بچوں کی تربیت دیکھیں, وہ علم کا معیار دیکھیں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار طارق جاوید جو کہہ رہے ہیں یہ اپنے موقع میں 100% سچا ہے. ہم وہ کر سکتے ہیں جو پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. پرسوں ہفتے والے دن محترمہ فرزانہ بٹ صاحبہ تشریف لائی ہوئی تھی, وہ تھا عید میلاد النبی کے حوالے سے نا ایک پروگرام, اور انہوں نے اقرار کیا, انہوں نے بولا کہ طارق جاوید دنیا کا تو میں نہیں کہہ سکتی, البتہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ پورے پاکستان میں جو آپ کرو وہ کوئی نہیں کر رہا. ایک ٹالریٹڈ سوسائٹی جس کے میں دیکھیں ضد ہٹ درمی اور آنا تین چیزیں ایسی ہیں ظالم, اس سے انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے, اور انتہا پسندی کی کوک سے شدت پسندی پیدا ہوتی ہے. جب تک ہم معاشرے کے اندر یہ تین چیزیں ختم نہیں کریں گے, ہم کبھی بھی ایک اعتدال والا معاشرہ کبھی بھی قائم نہیں کر سکتے. تو اعتدال والا معاشرہ اگر ہم قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو ہماری قوم اتنی ٹیلنٹڈ ہے. اور پھر ایک دوا اور بھی ہے کہ یہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ, اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو جب اللہ کے سوا کوئی نہیں تو دنیا کے 245 ممالک میں پاکستان کو دنیا پہ رول کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ اللہ کے نام پہ بنا. بہت شکریہ. میں تابعدار.